ये मोदी जी ने करके है ना, ये नाइंसाफी किया है, ये सबको लाइन में लगा के खुद तो सो रहे उधर घर पे आराम से, घूम रहे जापान दुबई वुबई घूम रहे, ये बीजेपी का ये असर है, बाकी कुछ नहीं है। अभी 2000 का नोट निकाले, अभी 2000 का नोट बंद करेंगे, फिर 500 का नोट बंद करेंगे, मतलब ये गेम खेल रहे आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दी थी। आम जनता नोट बदली करने भारतीय रिजर्व बैंक में पहुंचे तब वहां की व्यवस्था बराबर न होने के कारण और अधिकारियों की दलाल एवं बिचौलियों की मिली भगत से हो गई जनता परेशान। इसी गंभीरता को देखते हुए आइए देखते हैं नया टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सरकार ने जैसे ही 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया, वहीं पर आम जनता नोट बदली करने भारतीय रिजर्व बैंक में जाते ही वहां की व्यवस्था बराबर ना होने के कारण और अधिकारियों की दलाल एवं बिचौलियों की मिलीभगत से परेशान हो गए। आप यहां पे आके आपको कितना समय हो गया लाइन में खड़े हो? करीबन 12 बजे के आसपास आया हूं, 11:30 के आसपास आया हूं। और यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है और कठिनाई है आपको फेस हो? यही है कि हमारे पीछे वाला लोग आदमी आगे चले गया, एकदम आगे की सीट पर चले गया और मेरा नंबर अभी पीछे पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर पैसा लेके आगे जा रहे हैं, सिंपल बात है, हम भी पूछते हैं, हम भी पैसा देते हैं, आपको बताओ कितना लोग को लेके जाना है, लेके जाओ तो सबसे पैसा लो, सबको आगे लेके जाओ। ये सब ये बिना पैसे का कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सब यहाँ पर आगे पैसे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दलाल और बिचौलियों ने सब लोग हैं, दलाल बिचौलिए नहीं, ये सब मिले भगत है यहाँ पर। तो इसमें आपको किसकी मिली भगत लगे? सब लोग, जो भी इन लोग ये सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड कोई पीछे देखता नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड कोई यहाँ देखता नहीं है, सब लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये पीछे वाला आदमी आगे जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? उनकी मिली भगत है ना, तो बिना भगत के चले जा रहे हैं। मैं पुणे से आया हूँ। जैसे आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र लगभग 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में है, ये आपको क्या सही फैसला लग रहा है सरकार ने जो ये आज फिर से नोटबंदी का जो फैसला लिया? हाँ नहीं, ये तो ठीक है, उनके तो उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो काउंटर्स है, अब मैं पुणे से आया हूँ, अब पुणे इतना बड़ा शहर है तो उसमें उन्होंने काउंटर रखना चाहिए, रिजर्व बैंक का ऑफिस है उधर, लेकिन उधर नहीं रखा और ये बड़े बड़े शहरों में बस रखा है। तो इसके लिए अभी सीनियर सिटीजन सबको बहुत तकलीफ होती है और मैं तो अभी 4 घंटे अभी यहाँ बैठा हूँ और इधर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुर्सियाँ रखी है इतनी। तो क्या सीनियर सिटीजन को आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई एक जैसे सरकार ने फैसिलिटी मुहैया की है वैसे ही उस तरीके से इस विषय में भी कोई एक सुविधा मुहैया करना चाहिए? हाँ, सुविधा तो होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर रखे है क्या मालूम नहीं, लेकिन हमको टाइम बहुत लगता है। नहीं, काउंटर नहीं, लाइन के विषय में। हाँ, लाइन के विषय में ना, तो उन्होंने लेडीज़ और सीनियर सिटीजन सब एक ही किया है, सीनियर सिटीजन को जरा थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए। कई लोगों का यह भी आरोप है कि रिजर्व बैंक में काम करने वाले कर्मचारी दलालों से मिलकर अपने ही परिजनों से कुछ मुनाफे को लेकर 2000 रुपए बदली कर रहे हैं। फर्स्ट जो आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके याद में बैठे हुए हैं, एजेंट के कुछ लोग बैठे हैं, वो वहाँ जाके उसको बता रहे हैं कि भैया हमारा भाई है, हमारा चाचा लड़का है, उसको बिठा रहे हैं ऐसा करके। जो लोग तपती धूप में लाइन में खड़े रहकर अपने पैसे बदली कर रहे हैं और वहीं पर जो लोग घंटों तक खड़े रहने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। आपको कितना समय लगा यहाँ पे लाइन? मैं इधर 2 घंटे से हूँ, 12 बजे से आया हूँ, इधर वहाँ इधर था तो लाइन में इधर नंबर लगा, वो आगे जो औरत बोल के वो सब झूठ है, वो खुद एजेंट है यहाँ की और सब दादागिरी पर, वो आदमी था वो बोलता है 500 रुपये लेके अंदर चले जाओ, 500 रुपये पहले दो अंदर चले जाओ, ये सब अंदर वाले की चाल है, अंदर जो स्टाफ लोग रहे उनको उन लोगों की चाल है ये सब। मैं पुणे से आया हूँ, सुबह 5 बजे से घर से निकला हूँ, ये मोदी जी ने करके है ना, ये नाइंसाफी किया है, ये सबको लाइन में लगा के खुद तो सो रहे उधर घर पे आराम से, घूम रहे जापान दुबई वुबई घूम रहे, ये बीजेपी का ये असर है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो लाइन में आपको दिक्कतें आ रही है इसमें आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स पूछे गए? अभी डॉक्यूमेंट तो गारंटी नहीं है, अंदर क्या मांगेंगे कुछ बोल नहीं सकते, और ये कौन बैंक में से कोई आया भी नहीं है पूछने के लिए कि रुको जाओ, सिक्योरिटी पे क्या है उनको भी पता नहीं है कुछ कि है जाने का है कुछ, वो बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं, हमको सिर्फ लाइन लगाने के लिए बोला है, बस इतना ही है,
अब मैं सुबह 5 बजे से पूना से आया हूँ, अभी टाइम हो गया 3 बजे के, तो बोलेंगे जाओ घर पे, मंडे का आओ, यही करने का है क्या? रिजर्व बैंक मुंबई में है, इधर ही आओ, पूना में कुछ फैसिलिटी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट ऑफिस में उधर भी बोलते गारंटी नहीं कि तुम्हारा पैसा वापस रिप्लेस आएगा, और यहाँ पे भी प्राइवेट सब ब्रोकर है, वो उनका एजेंट से सिक्योरिटी सब उनसे अंदर भेजती है, हमारा लाइन का कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा चल रहा है। तो आपका एक उनका रेट चालू है 400 रुपये 2000 के पीछे, ऐसा चालू है इधर, वो डायरेक्ट अंदर जाते, हम इधर लाइन में खड़े, हमको कुछ वैल्यू ही नहीं है इधर कुछ। क्या आपको किसी दलाल बिचौलिए ने कोई संपर्क किया कि आप अपनी नोट है जो हमें दे दीजिए, हम आपको इसमें परसेंटेज काट के आपको तुरंत आपका काम कर? वो तो इधर अभी भी घूम रहे हैं इधर, वो सब सिक्योरिटी पुलिस के सामने पूछते ऐसा ऐसा है दे दो, हम इमीडिएट करके देते, 10 लाख लाओ 20 लाख लाओ कितना भी इमीडिएट देते, ऐसा चल रहा है, मिडिल क्लास का वैल्यू ही नहीं अभी कुछ। तो सेल लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ने इस विषय में ध्यान देनी चाहिए और व्यवस्था में सुधार लानी होगी ताकि आम जनता को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहाँ मैं एक नोट लेके आया था, सुबह में आया था 10:30 बजे, मेरे काम हो गया, काम होने के बाद में यहाँ कई लोग ऐसे मिले जो बोले 400 दे दो 500 दे दो, आगे मैं आपको लाइन दे देता हूँ, बोला नहीं। और यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं लाइन में जिनको 500 1000 रुपये में लाया गया है, उनका खुद का पैसा है ही नहीं है, गरीब इंसान के पास पैसा बचा ही नहीं है, बैंक तो पैसा देना बंद कर दी थी, यहाँ सब धंधा चालू है, 500 रुपया दो आओ लाइन में खड़े हो जाओ, पूरा दिन का दिहाड़ी लो 1000 रुपया लो, 20 हज़ार रुपया जाके छुट्टा करा के दे दो, ऐसा होता है। तो एक तरह का आप बता रहे हैं कि यहाँ पे दलाल और बिचौलियों ने अपना एक दुकान लगा रखा है, सही है, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो खाली भाड़े पे लोगों को 500 1000 रुपया देकर लाइन में खड़ा कर देते हैं, और गरीब इंसान सोचता चलो 10 रुपया मिल रहा है लगा के हम निकाल के दे देंगे इनको, ऐसा हो रहा है, पर्सनल पैसा रहता ही नहीं है। सुबह 6 बजे से आई हूँ मैं। सुबह 6 बजे से आए हैं, घर परिवार में? बच्चे है, बहू लोग है, पर पैसा जो बदली करने का है ऐसा बीच में ले रहे नहीं थे, कोई दुकान वाले को दे रहे तो ले रहे नहीं थे, हमारा पैसा बदली ही नहीं हो रहा है, तो बोले लाइन लगाओ, रोज़ आए रहे, कल भी आए, कल लाइन नहीं मिला, आज आए आज भी लाइन नहीं मिला, ये 2000 का नोट निकाला क्यों? निकाला तो तुम पहला ले लेने का था, लाइन लगा के नहीं लेना था तुम, तो ये तो फिर चिटिंग है ना, अभी 2000 का नोट निकाले, अभी 2000 का नोट बंद करेंगे, फिर 500 का नोट बंद करेंगे, मतलब ये गेम खेल रहे आप, ऐसा आपको बंद करना है तो पहला ही ले लेने का था नोट, बराबर है कि नहीं भाई? गलत बोल रही, ये तो मतलब हम लोग पब्लिक से तुम खेल रहे, पब्लिक परेशान है इसमें, सरकार तो बैठती है बोलती वोट दे वोट दे, उनको कैसा वोट देने का मोदी को, तुम बताओ वोट दे बोलते, पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको कितनी तकलीफ हो रही है लाइन का, हमारे को कौन देगा, हमारा पैसा रह के हमको लाइन लगा के लेना पड़ता है, ये पब्लिक बोलेंगे नहीं, और हमको जाने भी नहीं मिलता इधर, 200 रुपये में सीट बिक रहा है, हम क्या करेंगे, कितना देर से बैठे हम, खाए नहीं पिए नहीं, हमको कौन देगा खाए, हमारा पैसा रह के हमको खाना पीना नहीं, हमको हम सोच रहे जाएंगे तो हमारा हम भूखे मर जाएंगे, बैठे यहाँ जाएंगे तो हमारी लाइन चले जाएगी, हाँ तो भूखे बैठे ले हम लोग को, वो सब कौन देगा, सरकार क्या कर रही है, हाँ अभी 500 की नोट बंद कर दो, हाँ फिर तुम्हारी चालाकी करना बैठ जाएंगे, बताओ भाई कैसा तुमको वोट देंगे हम लोग। तो क्या आपको कोई दलाल या बिचौलिए ने ऐसे संपर्क? नहीं, हमारा खुद का पैसा है। नहीं, वो आपको संपर्क किए हैं कि आपका पैसा हमें दीजिए, हम इस पर कुछ परसेंटेज काट के आपको? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 2 दिन से आ रही, मत ये 3रा दिन आज का मेरे को नंबर मिल रहा नहीं, उधर तक जाता है बंद हो जाता है, देखो तो उधर बीच में जो बस स्टॉप है ना उसके आगे सब गोलमाल हो रहे, ये बंद कराइए, डायरेक्ट सबको घुसने लगाइए तो मिल सकता है कुछ चीज़, ये सुबह से लगा के लाइन नंबर नहीं आएगा तो मतलब नहीं आता, अभी 3 बजे बंद कर देगा 3:30 बजे तो पब्लिक चले जाओ भुक्का मर के, मतलब क्या है? हाँ चालू 8 बजे तक चालू रखो, नहीं तो तुम बंद कर रहे ना 8 बजे तक चालू रखो, गरीब लोग नहीं मरे ना, बीच में दलाल लोग खा रहे वो खा रहे ये खा रहे, तो गरीब मर जा रहा है ना इसमें, गरीब क्या करेगा, वो सरकार तो पैसा नहीं देगी गरीब को, गरीब को काम करके मुझे काम करना पड़ता है, काम करके फिर हमको पैसा रखे, वो पैसा छुपा के 2 रुपया जमा करके रखे, वो पैसा हमको इधर आके बदली करना पड़ रहा है, हमको क्या मालूम तुम फटाक से 2000 के नोट बदली करेंगे, मालूम रहे तो हम लेते भी नहीं थे, 2000 के नोट तुम्हारे पास ही रखना था, क्यों छापते भी ना, ऐसा नोट बंद करना है तो छापना ही नहीं, अपने पास रखना वो नोट जमा करके, नहीं तो पब्लिक को डायरेक्ट फटाफट पैसा लेके रखने का।
अब जब सरकार ने 2000 रुपए की नोट पर पाबंदी लगाई है, वहीं पे आम जनता इतनी दुखी है कि वो अपना दुख किसको कहें। कैमरा के सामने आकर कहते हुए वो बड़ी दुखी भावनाओं से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे बिचौलियों ने और दलालों ने अपनी एक तरह की दुकान खोल रखी है, वहीं पे सरकार और यहाँ के प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ अमर रावत।